और नाजिन आज की जो बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से जो अहम ख़बर सामने आई जिसमें 63 ए का जो जो ओरिजिनल जो जजमेंट थी अर्लिया जजमेंट दैट हैज़ बीन सेट असाइड और uh, जिसमें जो वो डिफेक्टिंग लॉ मेकर्स थे uh, उनके वोट जो है कहा गया था उसमें कि इट विल नॉट बी काउंटेड अंडर 63 थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट वर्ड दैट जजमेंट हैज़ बिन सेट असाइड ये कितना बड़ा रिलीफ है क्योंकि अगले हफ्ते कहा जा रहा है एक बहुत अहम डिवेलपमेंट्स का वो हफ़्ता होगा और जब ये आइनी तरमीम का जो मामला है छब्बीसवीं आइनी तरमीम इसकी जिसके हवाले से बड़ी तैयारियाँ हो रही हैं इस बिल को पास करवाने से मुतालिक बिलावल भुट्टो साहब जो है अगरचे एक फ्रंट फुट पे आ चुके हैं इन अदालती रिफ़ॉर्म्स के हवाले से उनके कुछ खदशात का इजहार कर रहे हैं कुछ उनके गिले भी हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से जिसमें वो कहते हैं कि वो हुकूमती इतिहादी तो हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है लेकिन आइंदा हफ्ते हुकूमत और सिस्टम के लिए क्या अहम तब्दीलियां जो है वो होने जा रही हैं और ऐसे में जहाँ पर हम जानते हैं कि शंगाई ताउन तंजीम का अजलास पाकिस्तान में अक्टूबर के वस्त में होने जा रहा है और उससे उसके डेढ़ हफ़्ते के बाद तकरीबन 25 अक्टूबर वो अहम दिन जब अहम तब्दीली होने जा रही है आ, सो उससे पहले पहले अब अगले हफ़्ते का ही एक वक्त बचा है हुकूमत के पास और हुकूमत की आ, जो किस सतह पर तैयारियां इस वक्त हुकूमत कर रही है मौलाना साहब से गुजशत हफ्ते टर इरफान सिद्दीकी साहब की मुलाकात हुई क्या मौलाना साहब इस वक्त हुकूमत के साइड पे है इन जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेके आईनी अदालत के हवाले से तो उनका अगरचे जरूर उनका एक, एक मौके सामने आ चुका है लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कुछ खदशात का इजहार किया उसको भी डिस्कस करेंगे और एक तरफ जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सड़कों पर एहत की सूरत हाल है सो इन इस टेंशन के माहौल में मामला आगे किस तरह से बढ़ते हुए दिखाई देंगे आज की अहम डेवलपमेंट से गुफ्तू -गु का आगाज होगा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, नो इंट्रोडक्शन सीनियर सीनी पाकिस्तान इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं इरफान साहब सामेकम वेलकम सर ग्रेटफुल फॉर योर टाइम आपने ज्वाइन करा और आज ऐसे दिन में आपने ज्वाइन किया कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है दरख्वास जो नजरसानी की सिक्सटी थ्री ए से मुतालिक थी उनको मंजूर किया गया और मुतफिका तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पाँच रुकनी बेंच ने यह फ़ैसला सुनाया है आ, वो जो सिक्सटी थ्री ए की जो जजमेंट थी पिछली आ, उसको सेट असाइड कर दिया गया कितना बड़ा रिलीफ है रिलीफ है और जिस तरह मैंने कहा कि अभी तो बिल आप लोग लेकर आने की तैयारियाँ करें उससे पहले ही ये डेवलपमेंट आ जाना आ, बहुत शुक्रिया अलीना रिलीफ आई डोंट थिंक सो कि किसी पार्टी को रिलीफ है या नहीं है ख़ुशी की बात यह है कि आइन जहाँ पे था वहाँ पे आ गया है और मई 2022 में गालबा जो एक जुमला ऐड कर लिया था बंदयाल साहब ने एजाज़ अहसन साहब के साथ मिलके और मुनी वख्तर साहब से मिलके वो जुमला निकाल दिया गया है और ये असूल सेट हुआ है कि अदलिया री नहीं कर सकती अदलिया उसी को इंटरप्रेट कर सकती है जो लिखा हुआ है तो ये अच्छी पेश है अदलिया की तरफ से इसका आना और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की पटिशन भी नहीं थी ये वला की अपनी पटिशन थी और वो कला ख़ुद इससे नाला ला थे कि ये क्या हो गया है किस तरह आइन नया लिखा गया है लेकिन उस वक्त ज़रूरत ये थी कि एक हुकूमत की एक पार्टी की हुकूमत का तख्ता उलटना था पंजाब में दूसरी पार्टी को इंस्टाल करना था इसके लिए वाद सूरत ये थी कि जो वोट डाले गए हैं वो गिने ना जाए लिहाजा वो फैसला हो गया जी कि ना सिर्फ वो डी सीट होंगे वो वोट भी नहीं गिने जाएंगे वो नहीं गिने लिहाजा हमजा शाहबाज की खत्म हो गई चौधरी परवेज अलाई साहब की पीटीआई की हकूमत आ गई दिस वॉज द एम दिस वॉज दबजेक्टिव और यह पांच रुकड़ी बेंच था उस वक्त भी पांच रुकड़ी में से दो ने उस वक्त भी मुखालफत की थी कि यह नहीं हो सकता आप गलत काम कर रहे हैं तीन ने कहा कि नहीं हम कर सकते तो गोया एक मेंबर से ये पूरी स्कीम जो थी उलट दी गई थी आइन की जो आइन के अंदर लिखा हुआ है राइट सो इट्स ए हैप्पी मोमेंट आई थिंक आइन अपनी जगह आ गया एंड इट गिव योर पार्टी रिलीफ एज इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ रिलीफ

जो इस तरह के लोग उन्होंने भर्ती किए हुए हैं जो आ जाएंगे हमारा पैसा दिखाने पे कौन सा उसूल है कौन सा नज़रिया है ख़ान साहब ने कौन सा रेवर्ड पाला हुआ है कि हम जरा सा उसे घास दिखाएँगे तो हमारी तरफ आ जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए ना उन्हें अपनी पार्टी पर एतमाद रखना चाहिए और अगर वो एतमाद नहीं कर रहे और वो ये समझते हैं कि जी हुकूमत उन्हें ले जाएगी जी डरा के हमारे तो नहीं गए थे उनके दौर में चार साल उनकी हुकूमत रही है कौन सा बंदा जेल में नहीं था किसको नहीं डराया किसका कारखाना बंद नहीं किया किसके बच्चों को नहीं उठाया

एक जज उठा के फेंक देता है और 2395 अभी निकालें आप इस पे 2395 क्या कहता है कि आईन के अंदर जो अमेंडमेंट हम करते हैं उसको कोई अदालत नहीं छेड़ सकती व्हाट सोएवर लेकिन ये कि आईन का लिखा हुआ आप आपका अगर मतलब हाल नहीं होता और आप एक नया जुमला उसमें डाल लेते हैं अपने मतलब के लिए

अलीना सहूलतकारी उस वक्त हुई थी जब मे एग्जैक्ट डेट मुझे याद है सत्रह मई दो हज़ार बाईस को री राइट हुआ था आई उस वक्त सहूलतकारी हुई थी एक पार्टी के लिए और एक पार्टी को निकाला गया था एक जुमला लिख के आज अगर वो आइन अपनी असल जगह आ रहा है तो उस किसी की सहूलतकारी नहीं हो रही सहूलतकारी दो साल पहले हुई थी और दो साल से ये पटिशन लगी हुई है जो सुनी ही नहीं जा रही थी नजरसानी की दरख्वास्त तो आज अगर एक मैं समझ हूं इसकी टाइमिंग पे फिर अब तो और भी ज्यादा जो सवाल तो उठे रहे थे लेकिन और भी ज़्यादा आपका ख्याल ये है कि दो साल के बाद नहीं इसे तीन साल के बाद सुनना चाहिए था नहीं, मतलब इसको पहले ही सुन लेना चाहिए था सर पहले अगर नहीं सुना गया अगर पहले सुना देखे ना अब इसमें आप लोगों का एतराज़ है पहले नहीं सुना गया दूसरा ऐतराज यह है कि इसमें सहूलत का कि टाइमिंग ऐसी हो गई ना, आप लोग बिल कोई वक्त ऐसा मुझे बताए की सूरज आसमान पे ना हो पे ना हो और रोशनी ना हो और हम ना कहें आज क्यों हुआ कल क्यूँ नही हुआ या आईंदा आने वाले कल क्यूँगा ये बेमानी बात है आप लोग आपको नहीं लग रहा हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल दिया है वैसे

कि अगर मैं वोट दूंगा अपनी पार्लिमानी पार्टी की मर्जी के खिलाफ और हार्स टेडिंग करूंगा तो मैं घर चला जाऊँगा ये कानून है अब भी अब भी है अब भी अगर कोई अपनी पार्टी की मसलन पी टी आई सपोज या सुन्नी अतहद कौंसिल है वो कहती है जी कि इसको वोट नहीं देना है साइनी तरमीम को अगर कोई रुकन उनका देगा जो उनके पार्टी डिसिप्लिन में है वो घर चला जाएगा हुँ. तो हमने तो रोका है उसको सो सर अब आप लोग को मौलाना साहब के वोट्स की जरूरत नहीं होगी देखिए हमें मौलाना साहब के वोट की ज़रूरत है मौलाना साहब की भी जरूरत है हमें वोट से ज़्यादा मौलाना की अपनी ज़रूरत है मौलाना एक कोना बड़े मुदबर बड़े जीरक सियासतदान हैं जमहूरी तौर तरीक़ों पर यकीन रखते हैं यहाँ आपको मालूम है कि उन्होंने भी बड़ा धरना दिया था लेकिन एक गाड़ी नहीं रुकी थी एक फ़र्द के लिए मुश्किल नहीं पैदा की थी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर यकीन रखते हैं हमें मौलाना के वोट की भी जरूरत है और वोट से भी कहीं ज्यादा मौलाना की जरूरत है मैंने अगर कल भी मैं, वोट ना अग्री करें तो तब भी मामला मौलाना से मैं कल भी मिला हूँ मैंने मौलाना से यही कहा है कि मौलाना आप हमारे साथ अच्छे लगते हैं और हम आपके साथ अच्छे लगते हैं तो हम चाहते हैं कि मौलाना आए हमारे मौलाना के वोटों की बड़ी जरूरत है हमें आज भी जरूरत है आज भी जरूरत हम हम किसी हार्स रेडिंग या किसी उस चीज़ पे तकिया लगा के काम नहीं कर रहे हैं हमें मौलाना के वोटों की ज़रूरत है और मौलाना के वोटों के साथ इन शाला ये तरह आएँगे लेकिन और मौलाना साहब ने गुजशतर रोज़ की आपकी मुलाकात में कोई यकीन दहानी कराई है देखिए यकीन दहानी तो नहीं कराई उन्होंने उन्होंने ये बिल्कुल दो टोक लाए में नहीं कहा कि जी हम आपकी मदद करेंगे या हम आपकी हमायत करेंगे और उन्होंने दो टोक अंदाज़ में ये भी नहीं कहा जी कि ये चैप्टर क्लोज हो गया है और अब इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे ये भी नहीं कहा उन्होंने लिहाजा उनकी उनका जो स्टैंड है वो यही है कि जी पूरा जो आज मेरा ख्याल है कि वो एक एक जो आ, पैकेज है या बिल है वो उनके सामने रख दिया गया है पीपल्स पार्टी का जो तैयार था जो उनके सेनेटर साहब को दे दिया गया था हुँ. तो वो पढ़ेंगे मौलाना देखेंगे उनकी टीम देखेगी उसमें कोई कमी बेशी करना चाहेगी करेगी उनके जो कुछ तहफात हैं कुछ रेजरवेशन है हुँ. वो वो ज़ाहिर है कि एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं वो फैसला करेंगे उसके बाद ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा जी कि देखे ना दो उसूली चीज़ें हैं एक ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर राजी है अदालत के हक में वो कह चुके हैं दूसरा ये है कि वो जो जजों की तकर्री का तरीक़ार है जो दो हज़ार अठारह की तरमीम में तय हुआ है वो उसके भी हामी हैं यही दो बड़ी चीजें हैं अब उसकी जो हैं उनमें काम हो रहा है ठीक बट बट आपकी इजाजत से इरफान साहब मैं चाहूँगी सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने भी गुजर रोज गुफ्तु की है और वो भी एक अहम है उनकी जे यू आई के आ, उनकी गुफ्तु सुन लेते हैं फिर मैं आपसे उस पर रिस्पॉन्ट जाऊँगी तो सर हुकूमत और पा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामरान मर्ज़ा साहब का ख्याल है कि उनका ख्याल था कि मौलाना साहब ने हिमायत कर दी यू आई ने हिमायत कर दी है लेकिन अब भी वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है और जो एतराज़ उठा रहे हैं वो इस बात पर है कि टाइम में टाइम में इंगराद के अंधेरे में आप जिस तरह से लेकर आना चाह रहे हैं ना एतराज़ उठाना उनका इसका है मक्फ़ रखना उनका इसतक है इस तरमीम को आए मेरा ख्याल है कि अभी दस बारह दिन हो गए हैं ज़्यादा दिन हो गए इजलास बुलाए गए नहीं हो सके मुलतवी हो गए तो इतनी लंबी रात तो नहीं चल रही ना बीच में कितने दिन आए हैं उजाले भी आए हैं रोशनी भी आई है पढ़ा भी गया है उसको डिस्कस भी हुआ है हर चैनल डिस्कस करता है हर अखबार डिस्कस करता है इट्स नो मोर इन डार्क किसी रात के अंधेरे में नहीं है ये तो एक रेटरिक है ना ये रात के अंधेरे में आ गई रात का अंधेरा हो या उजाला हो मौलाना के इस अश्तक को हम मानते हैं कामरान मुर्तजा साहब की इस राय को भी मानते हैं कि वो किसी जबर के तहत नहीं करेंगे अपना आजादाना ख़ुद मुख्तारी के साथ सोच समझ के फैसला करेंगे करें।, करें दो रास्ते हैं या वो इसकी हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे तो ये दोनों रास्ते उनके पास मौजूद हैं और हमें यकीन है मुझे कम अज़ कम कल की मुलाकात के बाद यकीन है कि मौलाना सिंपथेटिक व्यू रखते हैं सारे सूरत हाल के बारे में और ऐसा नहीं होगा कि वो उस चीज़ पे जिस पे उसूली इतफ़ाक़ वो आज से अठारह साल पहले कर चुके हैं इन दोनों चीज़ों पर आज वो किसी मसलियत के तहत कि ये रात का अंधेरा है या दिन की रोशनी है उसके तहत वो अपना उसूली मौकफ जो है शायद ना बदलें लेकिन ये जरूर है कि जो हम चाहते हैं या जो पीपल्स पार्टी चाहती है वो जू का तो कबूल करने में उन्हें हिचकचाहट हो वो उसकी तराश खराश करेंगे और इंशाल्लाह एक कंसेंसस हो जाएगा। आप अर्लियर भी, भी कहा लेकिन अगर नहीं भी हो तब भी आपको से सूट तो करती है या आप के... के के लोगों को तोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि एक ये बन गया है, हुकूमत जो है वो से देखे ना आपके जहन में क्या है हमारे कैमरा मैन के मेरे ते तो कोई कदगर नहीं है ना खाफ देखने पर भी कोई कदगर नहीं है राय रखने पर भी कोई कदर नहीं है हमारी प्लानिंग या हमारी मनसूबा बंदी में आपके तसर का कोई अमल दखल नहीं है हम अपना एक नज़रिया रखते हैं इसीलिए हम बार बार मौलाना के पास जा रहे हैं आज भी हमारे रबते उनसे कायम हैं और ये उस वक्त तक कायम रहेंगे जब तक मौलाना नहीं आएंगे बनाया भी गया है कि सात आठ लोग या दस के करीब लोग जो है तहरीक इंसाफ के उन पर दबाव है या वो गायब है या रबते में नहीं है कुछ इस तरह की बातें लेकिन आपने उसको भी दो टोक अंदाज में आपने एड्रेस कर दिया कि आपको जरूरत नहीं है किसी भी डिफेक्टर्स की या पाकिस्तान तहरीक के लोगों की और ये उनकी ये बड़ी कमजोरी है, है वो अपने रेवर्ड को ताला लगा के रखें किसी किसी और कोई और कोई जबरदस्ती तो तो नहीं सकता ना किसी राइट इरफान साहब सात तारीख को हाँ। साथ तो साथ जो ये बातें हो रही हैं कि तारीख को इजलास बुलाया जा रहा है मेरे इल्म में नहीं है so अगले, हफ्ते इजलास... वो मैंने कल भी कहा था कि इस हफ्ते अगले हफ्ते आठ दस दिन के अंदर मैंने कल ये अल्फाज बोले थे So, राइट right. और आपके जो एक अहम इत्तेहादी बिलावल भुटो जरदारी साहब जो कि अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये लीड ले ली है छब्बीसवीं आईनी तरमीम के आ, बिल के हवाले से और आ, वो फ्रंट पे हमें नजर आ रहे हैं सो उन्होंने गुजशा रोज एक इंटरव्यू में कहा कि सबसे बड़ी गलती जो हुकूमत ने की है वो ये है कि वजी कानून पहले ही जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से आ, वो कोर्ट्स चले गए और उन्होंने जजेस को जाके इन्फॉर्म कर दिया हाँ बजाय इसके कि वो इतहादी और पीपल्स पार्टी और दीगर इतिहादियों से आप मशावरत करते हैं उनसे डिस्कस करते हैं तो आपने उनको लूप में ही नहीं लिया आ, मुझे इसकी तफसीलात का तो पूरी तरह इल्म नहीं है लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जजिस से मुलाकात हुई जी जी मैं मैं आपको बताता हूँ ये जजिस के साथ मुलाकात ऐसा सच नहीं थी ये जुडिशल कमीशन का इजलास था जो गबन तीन मई को हुआ जो मुझे याद पड़ता है और उसमें यही चीज़ें डिस्कस हो रही थी जजों की एलिवेशन जो हाई कोर्ट से आने थे दूसरे न, तो इस पर वजीर जो हमारे कानून हैं उन्होंने कहा इन गुड फेथ कि जी हम एक पैकेज लाना चाहते हैं जिसपे सारे जजेज जिसमें चीफ जस्टिस भी थे मंसूर अली शाह भी थे और भी सीनियर जज थे उन्होंने कहा जी कि फिर बेहतर होगा कि वो पैकेज आ जाए तो उसके बाद हम ये कमीशन का इजलास बुलाएं ये तीन मई की बात है लेकिन जो पैकेज का नाम आया उस पैकेज के नाम से कहीं ख़तरे की घंटियां बजने लगी क्योंकि तीन या चार जज़ेस ऐसे हैं जो लाइन में लगे हुए थे जिन्हें काजी फायजीसा के बाद बनना है तो उन्होंने सोचा कि इस पैकेज में कहीं अपने तौर पे कहीं हम उम्र बढ़ा रहे हैं कहीं हम मैद शायद बढ़ा रहे हैं तो वो एक खौफ पैदा हुआ और उस खौफ के तहत तीन दिन बाद तीन दिन बाद छः मई को उन्होंने ये पटिशन लगा ली और उन्होंने स्टे आर्डर दे दिया और वो सारा फिर खेल वहाँ से शुरू हो गया अब मुझे लफ्ज़ याद आते हैं ना अलीना जब जो आइन के अंदर जो ओथ है इनका जजेस का उसमें उर्दू के अंदर जो अल्फाज आते हैं बिला खौफ रियायत कि ना मैं किसी खौफ के नीचे आऊँगा ना मैं कोई रियायत दूँगा किसी को बिला रगबत इनाद ना किसी के साथ दोस्ती और ताल्लुक और मोहब्बत की वजह से फैसला करूँगा ना दुश्मनी और अनाद की वजह से कर ये चार चीज़ें हैं इन पर पहली चीज़ हावी होगी खौफ खौफ ये कि शायद कहीं हमारा जो मनसब है ऊँचा सीढ़ी पर जो चढ़ना है हमने कहीं वो सीढ़ी हमारी नीचे से ना खींच ली जाए ये जो बारह जुलाई का पूरा फ़ैसला है न इसकी बुनियाद वही खौफ है और कुछ नहीं है उस खौफ के तहत इन्होंने आइन को रौंदा उस खौफ के तहत इन्होंने कानून को रौंदा उस खौफ के तहत इन्होंने वो कुछ किया जो आप देखें मैं मैं एक बिल्कुल क्रूड सी आम सी मिसाल देता हूँ जो रेडी वाला भी समझता है हुँ. अब आप कह रहे हैं ना जी कि आयनी तरमीम आइनी तरमीम हमें वक्ता पड़ा हुआ है ना मुसीबत पड़ी हुई है ना कि किस तरह बंदे पूरे करें क्योंकि पहले आपकी जो अटेम्प थी वो तो कामयाब नहीं हो, काम हो गई ना आप ये कहें ना कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हो गई ना लेकिन इन्होंने इस तरह के अटेम्प्ट की, की जरूरत ही नहीं पड़ी आइन कहता है जी तीन दिन के अंदर अंदर हर इंडिपेंडेंट शामिल हो जाएगा किसी पार्टी में इन्होंने तीन के ऊपर लगाया क्रास। दिन का वक्त दिया गया हाउ हाउ किस तरह कर सकते हैं? हम अगर करते ना तीन के बजाय चार करते तो हमें इतनी ही एक्सरसाइज करना पड़ती जितनी इस वक्त कर रहे हैं ठीक और... आइन नहीं बदल सकते हम इन्होंने क्यों बदल लिया आइन इसका जवाब दें बारह जुलाई के फैसले में तीन को पंद्रह कैसे किया एक और बात किस तरह इन्होंने जब आइन कहता है कि मैंने एक दफा अगर ये फैसला कर लिया कि मैंने कौन सी पार्टी में जाना है मेरा दरवाजा बंद हो गया मुकफल हो गया फौलाद का ताला लग गया इन्होंने वो ताला खोला इन्होंने कहा कि नहीं तुम दूसरी दफा भी करो और दिलचस्प और और, और मजाक खेज बात यह है कि जो अंदर बैठे हुए हैं जिन्होंने एक्सरसाइज कर लिया है अपना आग वो नहीं कह रहे कि जी हमें किसी और पार्टी में जाना ठीक है ये लतीफे हैं ना right. ठीक नहीं है और आपने फिर अब जो इरफान साहब हुकूमत ने ठानी हुई है और ये पूरा आपने एक चेन ऑफ इवेंट्स जरूर गिनवाया है बट इरफान साहब ये भी बताइएगा बिलावल भुटो साहब कुछ खदशात का इजहार कर रहे हैं एक तो वो ये कह रहे हैं कि अगर तो अक्टूबर में नहीं हुई है आईनी तरमीम अमल में आई तो फिर ये ऐसे डिले होगी एक इनडेफिनट टाइम के लिए गैर मैना मुदत तक के लिए ये मौख या ताखिर का शिकार हो जाएगी दूसरा वो खदशात का इजहार ये कर रहे हैं कि अगर तो पच्चीस से पहले पहले तक नहीं हुए और गुजर रोज़ उन्होंने कोर्ट रिपोर्टर से गुफ्तु की थी और उसमें उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होती है तो फिर आइंदा जो हफ्ते हैं वो बड़े ट्रबल्सम होंगे वो बड़े ख़तरनाक एक, एक रुझान की तरफ वो एक जिक्र कर रहे हैं सो जो असल थ्रेट है या दबाव है कोई जो कि हुकूमत पर है और ये पच्चीस से पहले पहले ही आप लोग ने बिल पास करवाना है देखिए जो बिलावल साहब ने बात कही है उसकी तशरी या उसकी वजाहत तोज़ी उसके उसका पस मंजर क्या है या पेश मंज़र क्या है वो ख़ुद बता सकते हैं लेकिन जो आपने या मैंने गैदर किया है कम अज़ कम वो ये है कि अगर हम चेन ऑफ कमांड हो जाती है उनके जहन में गालबन ये है तो फिर इस तरमीम के रास्ते में नई मुश्किल आ जाएंगी मुश्किल इसलिए आ जाएंगी कि जो बारह जुलाई का फैसला है बारह जुलाई के फैसले को लिखने वाले लोगों के हाथ में अगर कमांड आएगी जो कि आएगी जो कि आनी है तो उसका नतीजा ये होगा कि एक टसल बढ़ेगी यानी जो जो पहले उन्होंने इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए छः मई को फैसला किया वो आइंदा फिर इस तरमीम के लिए कभी कोई हमें स्पेस नहीं देंगे शायद उनकी मुराद ये है जो कि बड़ी हद तक दुरुस्त बात करते हैं वो देखें आमरीत जो होती है ना अना वो आमराना हुकूमतें भी होती हैं इसको पकड़ो इसको जेल में डालो इसके बुनियादी हकूक़ कुचलो इसको ये आमरीतें फ़ौज की भी आती हैं हमारे यहाँ तो चार दफ़ा फ़ौजी अमर आ चुके हैं ना लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है कि सबसे खौफनाक आमरीत जो होती है ना वो अदालती अमरीत होती जब अदालतें आइन को छोड़ देती हैं कानून को छोड़ देती हैं आज़ादी के नाम पर अदलिया के आज़ादी के नाम पर वो बेलगाम और बेमहार हो जाती हैं और कुचलती चली जाती हैं ये मुकन्ना क्या चीज़ है ये इंतज़ामिया क्या चीज़ है ये फलाँ क्या चीज़ है तजावजात करते हैं वो अपनी हदूद से निकलते हैं हम देखो ना हम तीन सौ बयालीस या साढ़े तीन सौ बंदे वहाँ बैठे हुए हैं सौ सेनेट में बैठे हैं साढ़े चार सौ बंदे एक तरमीम करते हैं एक कानून बनाते हैं यहाँ एक बंदा बैठ के कहता है ये गलत है हमारी हमारी नाकस राय होगी ठीक है आपने हमारी गलती को मेरा सवाल नहीं सुन लें हमारी गलती को आपने ठीक कर दिया ओके आप जब गलती करें और उस पर डट जाएं उस पर डट भी जाएँ नजरसानी भी हम करें रोते रहें चीखते रहें मातम करते रहें आप कहने हमने ठीक किया है Where should we go? Hmm. So for for that आप सलूशन समझते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल federal... हम इस, इसका हल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो हमने उस वक्त तजवीज़ की थी आज से 18 साल पहले वो चार्टर तो, कही हजार डेमोक्रेसी में मई दो हजार छ में उसका इस मौजूदा हाल से ताल्लुक नहीं है उस वक्त सूरत हाल क्या होगी वो हमने देखी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर आती है hmm. वो इन मसाइल को लेके बैठे अब देखें ना सिक्सटी थ्री ए को हम लिए बैठे कभी बारह जुलाई वाले फैसले को लिए बैठे हैं। कभी किसी की सीट गलत आ गई कभी किसी की काउंटिंग गलत हो गई सो so, सो so इरफान साहब एक ये भी बात कि बिलावल साहब इस बात पे भी स्ट्रेस उन्होंने दिया है दो रोज़ कबल जब वो बलोचिस्तान बार में खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की सदारत जो है वो चाहे चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा साहब करें या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब करें हमें पीपल्स पार्टी को एटलीस्ट कोई मसला नहीं है न्यू लीग को भी कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं है देखे ना मैं तो पहले कह चुका हूँ कि इट्स नॉट पर्सन स्पेसिफिक सिचुएशन सिचुएशन स्पेसिफिक स्पेसिफिक कोई इस हद तक है जो उन्होंने कहा है कल बिलावल साहब में कि जी हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी वो तो ठीक है लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि हमारे इस निजाम या इस तरमीम के अंदर किसी शख्सियत को रोकने के लिए हम कर रहे हैं या किसी शख्सियत को लाने के लिए हम कर रहे हैं या किसी को किसी को ना भेजने के लिए कर ऐसी कोई बात नहीं लेकिन इसकी मुझे नहीं पता के कौन आएगा आपको नहीं पता कौन मुझे नहीं मालूम अगर वो भी आए तो क्या वो बैठे रहेंगे यहाँ पे कोई और भी आएगा कोई और भी आएगा निजाम तो ऐसे ही चलते है ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑस्ट्रेलिया में एक सौ छह साल पहले कायम हुई थी एक सौ छह साल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, आगे। के जर्मनी अब तो कोई सत्तर अस्सी ममालिक में है ना तो क्या वो जो पहला जज आके ऑस्ट्रेलिया में बैठा था बैठा हुआ है आज तक निजाम आगे चलता है ना इसलिए इतनी तो ऑलरेडी तो एक स्पार्क कर दिया आप, है एग्रेशन आप, एंड पूरे लॉयर्स फ्रॉम पाकिस्तान 300 से आप निकलते हैं ना और पहले नजरिया जरूरत होता था फिर कोई नजरिया सहूलत निकला अब मुकम्मल इंसाफ का एक नजरिया निकला यानी आईन रास्ता नहीं देता कानून रास्ता नहीं देता तो मेरी स्वाब दीद है कि मैं समझता हूँ कि मुकम्मल अलीना से क्या होना चाहिए वो मैंने दे दिया ये नहीं होता ना तो आप बीच में अभी आपने जो जुडिशियलियत का आप जिक्र वो, वो हालात तो के कुछ चल नजर आ रहे हैं नहीं एहतिया के लिए ना सारी दुनिया के अंदर तो है ना कि डिसिप्लिन में आए मैंने बर्तानिया की अपने हाउस में तकरीर करते हुए मिसाल दी थी कि तीन आदमी अगर वजह बिला इजाजत जमा होकर नारे मारते हैं तीन आदमी तीन सौ नहीं जस्ट थ्री पर्सन तीन तीन साल कैद है उसकी जो जमहूरी ममालिकते हैं महजब ममालिकते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही अब... है मतलब तो करे मेरी मालूम ये है कि हमारे इर्द गिर्द की जो भी इमारतें हैं जहां भी दूसरी जमात का या अपोजिशन का असर असर रसूख है वहाँ उनके बंदे आके बैठ गए हैं अब कल एक खास वक्त पर डंका बजना है और उन्होंने बाहर निकल के एक तमाशा खड़ा करना है हुकूमत क्या करेगी हुकूमत या आंसू के आंस फेंकेगी डंडा चलाएगी गोली चलाएगी क्या करेगी हुकूमत को कुछ ना कुछ तो रोकना होगा ना so फोर्स से ही इनको रोकेगी नहीं, और क्या चीज है मुझे बताए में और कोई तरीका है इसका so, मतलब बातचीत की तरफ ये, ये तकरीर तो, करने वाली बात देखे ना एक कानून है ना वो कानून का एहतराम करें ना वो जाए मजिस्ट्रेट के पास चले हुँ. जाएं जी कि हम खामोश एहतजाज करेंगे अगर वो आके यहाँ पे उन्होंने कहा पीसफुल प्रोटेस्ट हम करेंगे वो अब आज तक किया उन्होंने दो हजार चौदह में अब तो दस गोलियों की बात दो हजार चौदह में उन्होंने पूरे उतरे वो ठीक है वो चढ़ाई करके आ, आ गए उन्होंने यहाँ से आए कहते हैं जी हम तक फैसला ही नहीं पहुंचा था बाईस मई को दो हजार बाईस को मई दो हजार बाईस में यहाँ आके क्या किया था उन्होंने इसलिए एक ऐसी पार्टी जिसके दामन में नौ मई पड़ा हुआ हो उसको आप एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की का लाइसेंस अगर देना चाहते हैं तो आपका तासुर जो हमारे बारे में तो कुछ होता है सर, अगर उनके बारे में ये तासुर जो बार बार आप कहते हैं हमारा तासुर यह है उनके बारे में क्या तासुर तसुर नौ मई इन्होंने किए और बिलाशुबा उस पर कोई गुंजाइश नहीं है कि माफ़ी हो और जो एविडेंस हैं एविडेंस भी सामने ला के इनको सज़ा दी जाए माफ़ी हो या ना हो लेकिन क्या ये ज़रूरी है जिस तरह किसी को शिकार की बू आती है ना और वो निकलता है अपनी खो से इनको जब बू आती है कि पाकिस्तान का कहीं नाम होने वाला है पाकिस्तान को कहीं कर्जा मिलने वाला है तो आपके ख्याल में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं जान बूझ के तमाशा खड़ा करते हैं और उस तमाशा खड़ा करने की अगर आप चाहते हैं कि आप इजाजत दे दें इरफान साहब आखिर में सिर्फ मैं आपसे और मैं चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड करें मियाँ साहब ने जो अपना प्लान लंदन जाने का डेफर किया है आ, वो इसी एंटिसिपेशन में जो होने जा रही है उसी वजह से और मियाँ साहब ने गुजशतर रोज जो खिताब में जो स्कीम पंजाब में उसके इवेंट से जो खिताब करते हुए उन्होंने कहा और उन्होंने कुछ गिले और शिकवे जो है अपने जरूर तो लोगों के सामने प्रेजेंट का जो और वोटर्स का और आवाम का एक फैमिली होती है बिल्कुल ताल्लुक है एक फैमिली जैसा गहरा ताल्लुक होता है मोहब्बत का रिश्ता होता है वो गिले में होते रहते हैं मियाँ साहब करते और रहते मियाँ साहब है। कहते हैं कि ये भेड़ बकरियों की तरह आवाम जो है या वोटर्स जो है वो इनके पीछे लग गए हैं देखना पोलिटिकल लीडर हैं उनको अपना एक्सप्रेशन देने की इजाज़त तो होनी चाहिए ना अगर दूसरे गाली गलोच देते हैं तो ये बेड़ बकरियाँ अगर कह लिए कह लिया उन्होंने बट इरफान जब मियाँ साहब ये कहते हैं कि उनका साथ नहीं दिया इसी आवाम ने या इन वोटर एक ने। गिला साथ नहीं दिया एक गिला है ना एक गिला है और इसमें प्यार है इसमें मोहब्बत है आप के ऊपर अगर कोई कड़ा वक्त आता है तो आप हर एक को तो नहीं कहेंगे ना कि मेरा साथ क्यों नहीं दिया आप उसी को कहेंगे जिस जिसपे आपको इतमाद है जिससे आपका प्यार का रिश्ता है जिससे आपका गहरा ताल्लुक तो ये लीडर के गहरे ताल्लुक की निशानी है कोई गिले शिकवे की बात नहीं है। और नून लीग ने अगर वोटर्स ने साथ नहीं दिया नून लीग का या वोटर की बात नहीं की उन्होंने दो के 2018 की बात नहीं की उन्होंने या 2024 के इलेक्शन की बात नहीं की उन्होंने वो कह रहे थे अपने औस्टर के तनाजर में कि जब हमारे साथ ये हुआ तो आप लोग नहीं निकले तो सर लेकिन नून लीग ने वैसे सोल सर्चिंग अब तक कर ली है कि अवाम जो हम है हम करें ना करें आप हर रोज हमारी सोल पे पंजा <laughs> मारते हैं <laughs> हम आपसे सवाल करते हैं सर कि टेंजिबल और जो आवाम के फायदे के जो प्रोजेक्ट्स हैं मंसूबे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि आपने आवाम की सहूलत के लिए आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है लेकिन फिर इसी आवाम को उस तरह से रिस्पोंड करना चाहिए वो रिस्पॉन्ड नहीं किया आवाम ने अनफॉर्चुनेटली आप लोग के लिए देखिए अवाम ने ड किया जिस हद तक वो कर सकते थे उसके अल एक अलग कर सकते साहब कह रहे थे कि अट्ठाईस सीटें मिली हैं सिर्फ नून लीग को नहीं वो कहते रहे ना अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारा तस्व आठ भी कह दें तो मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ <laughs> वो अट्ठाईस भी उनकी मेहरबानी है वो बीस कह दें तो मैं क्या कह सकता हूँ ये तो कहने की बातें हैं ना दो में उन्हें कितनी मिली थी मुझे नहीं पता कितनी मिली थी ना हमने कहा है कि आपकी इतनी हम तो चुप करके बैठ के और अपोजिशन करते रहे मार खाते रहे ये सीटें गिर रहे हैं अभी तक भाई आगे चलो यार तो काम आप करो तो मतलब आप मुल्क के अंदर आप देखो मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आ रही है यार इन्फ्लेशन जो 40 पे तुम छोड़ के गए थे वो 6.9 पे आ चुकी है आप देखें कि स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चला गया है आज रिकॉर्ड है उसका पाकिस्तान की हिस्ट्री का आज रिकॉर्ड कायम हुआ है आप देखें बाहर से पैसा कैसे हमारे नौजवान भेज रहे हैं जो रिकॉर्ड हो गया है आप देखें हमारा जो तमाम इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं यार कुछ इस मुल्क पे भी रैम करो आपको कुछ नजर नहीं आता और हर... खंदके है तो तो वो सारा आपके जो, वो जो है थैंक यू सो मच इरफान साहब बहुत शुक्रिया इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने कहा कि मौलाना साहब की हिमात अगरचे मौजूदा हुकूमत को जरूर दरकार है और उम्मीद भी इरफान साहब यही उसका इजहार कर रहे हैं कि उनकी हिमायत उनको ज़रूर हासिल हो जाएगी इस छब्बीसवीं आयनवी तरमीम के हवाले से और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जहाँ पर बात आती है दुनिया भर के दीगर ममालिक में ये इम्प्लीमेंट हुआ है इससे ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को असल्प करेगा या अंडरमाइन करेगा ये अगर दीगर ममालिक में इम्प्लीमेंट हो चुका है सो हमारे मुल्क में भी अब ये ये इम्प्लीमेंट होना अब नज़र आ रहा है बहरहाल के नागजीर है प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का